सिरे ले रहे हैं। इट इज प्लीज उग्रवादी बोले भी तुम आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ उग्रवादी। सर ऑनरेबल मेंबर इज सेइंग अ टेररिस्ट, टू होम ही इज सेइंग द टेररिस्ट, आर द टेररिस्ट आर इन दिस हाउस, व्हाट ही सेज इज टेररिस्ट की बिकेम कैन एंटर इन दिस हाउस, ही मस्ट ही मस्ट अपोलोजाइज। बीएसपी के सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बकायदा 2 पेज की ये चिट्ठी है जिसमें उन्होंने सारी बातें अपनी लिखी है कि किस तरीके से कुछ वक्त पहले नए संसद में उनके ही सांसद बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने उनको भद्दी भद्दी गालियां दी और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। दानिश अली ने इस लेटर में काफी लंबी चौड़ी बातें लिखी है। लोकतंत्र के खिलाफ जो सदन में एक बातें कही गई, ये किस तरीके से देश के लिए नुकसानदायक है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर लिखा है कि उनको धमकियां मिल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर चुप्पी तोड़ने के लिए कहा है। ये पूरा मामला शुरू हुआ नए संसद में जब विशेष सत्र चल रहा था। इस दौरान चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी, जो कि दिल्ली से सांसद है, उन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली को काफी भद्दी भद्दी गालियां दी थी, जिसके बाद मामला गरमाया, विपक्ष बीजेपी पर हावी हो गया। खुद ओम बिरला को दानिश अली ने इससे पहले एक लेटर लिखा था और इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की सिफारिश की थी, और जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ओम बिरला ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज भी दिया है, लेकिन सांसद के खिलाफ कोई बड़ी या ठोस कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। उनको बीजेपी की तरफ से कारण बताओ नोटिस एक तरफ जारी किया गया, लेकिन दूसरी तरफ उनको राजस्थान के टोंक में इंचार्ज बनाया गया चुनाव के मद्देनजर। इस पर वोट की राजनीति करने का आरोप विपक्ष ने लगाया। विपक्ष ने कहा कि आप एक तरफ से उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें ऐसे इलाके में भेज रहे हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 25% के आसपास है और हिंदू पॉपुलेशन 60% के आसपास है। ये दावा किया था कपिल सिब्बल ने, उन्होंने कहा था कि इस तरीके से आप लोगों को बांट रहे हैं और ये राजनीति का ही हिस्सा है। इससे पहले रमेश बिधूड़ी ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं। एक बार उन्होंने ओवैसी को लेकर कहा था कि ऐसे सांसदों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। खैर, इस मामले में निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद है, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री को लेकर कई बातें कही थी और इसी से भड़क उठे थे रमेश बिधूड़ी और उन्होंने ये सब बातें कह दी। ये जस्टिफिकेशन भी दानिश अली ने अपने लेटर में मेंशन किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके की बातें गलत है क्योंकि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड था। अब आपको बताते हैं कि रमेश बिधूड़ी ने आखिरकार अपने खत में क्या क्या लिखा है। रमेश बिधूड़ी के लेटर में सब्जेक्ट में लिखा है विनम्र अनुरोध, ताकि पार्लियामेंट्री डेकोरम और पुराने सिद्धांतों और नैतिकता की रक्षा की जा सके। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आप न केवल देश के प्रधानमंत्री है बल्कि उस सदन के नेता भी है जहां मुझे मौखिक रूप से लताड़ लगाई गई। आपको पूछना चाहिए कि बिधूड़ी ने ऐसा क्यों किया। मुझे दी जा रही धमकियों के स्क्रीनशॉट्स मैंने प्रधानमंत्री को भी भेजे हैं। मैंने पत्र में लिखा है कि इस घटना की निंदा करने के लिए आपके कार्यालय से या आपकी ओर से एक बयान आना चाहिए। पूरी दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। बात यह है कि अगर इस मामले पर प्रधानमंत्री चुप रहेंगे तो ये तो सिर्फ रमेश बिधूड़ी है, अगर वो इसकी निंदा नहीं करेंगे तो इससे बाकी लोगों की भी हिम्मत बढ़ेगी। अगर इस मामले में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये ना तो संसद के लिए अच्छा है और ना ही हमारे लोकतंत्र के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे 21 सितंबर 2023 के बाद से स्थिति खराब हो गई है और इसने हमारे सम्मानित सदन की संसदीय मर्यादा, लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली पर ग्रहण लगा दिया है। सदन के नेता और हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे विश्वास है कि आपको खुद को ये पता चलेगा कि माननीय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी ने असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। मामले में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग करते हुए अली ने आगे कहा, मेरा मानना है कि राजनीतिक संबद्धता के बावजूद सभी संसद सदस्यों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और भलाई सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। रमेश बिधूड़ी को संसद में बयान दिए लगभग 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ किसी कार्यवाही के संकेत नहीं मिले हैं। इसलिए अब मैंने प्रधानमंत्री को खत लिखा है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि नए और मजबूत विचारों को नई संसद में जगह दी जाएगी। मेरा अनुरोध है कि श्री बिधूड़ी के निंदनीय आचरण पर जल्द से जल्द जवाबदेह तय की जाए और उन्हें उचित सजा दी जाए, ताकि सदन में कभी कोई ऐसा कृत्य दोबारा ना कर सके।
उन्होंने सदन का ध्यान भटकाने के लिए मेरे खिलाफ अत्यधिक आक्रामक हमले करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मुझे आतंकवादी, उग्रवादी का लेबल भी दिया। श्री विदुरी ने सदन की उच्च मर्यादा का पूरी तरह से अनादर किया। साथ ही उन्होंने मुझे मौखिक रूप से धमकाया, सदन के बाहर मुझसे भिड़ने का अपना इरादा बताया। दानिश अली यही नहीं रुकते, उन्होंने आगे लिखा, श्री निशिकांत दुबे जैसे सदस्य तो यहाँ तक कह गए कि उन्होंने ये कहकर पूर्णतया झूठ फैलाया कि मैंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे श्री विदुरी भड़क गए, जबकि ये स्पष्ट है कि वे टिप्पणियां श्री विदुरी ने अपने संबोधन के दौरान की थी। श्री विदुरी द्वारा सदन में दी गई धमकियों और उसके बाद अलग अलग स्रोतों से आ रही धमकियों में बढ़ोतरी को देखते हुए मैं आपसे मेरे आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आग्रह करता हूँ। फिलहाल इतना तो साफ है कि दानिश अली चुप रहने वाले नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। जब संसद में ये बात कही गई उसके बाद भी दानिश अली ने ये सवाल उठाया था कि इस तरीके से सदन में उनको आतंकवादी कहना, गंदी गंदी गालियां देना कहां तक उचित है। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके बाद उन्होंने ओम बिरला को खत लिखा, राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे और विपक्ष के तमाम नेता उनके साथ खड़े हैं और यही मांग कर रहे हैं कि रमेश विदुरी को निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से इस पर कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखना होगा कि आगे जो विशेषाधिकार समिति के पास ये मामला भेजा गया है वहां से क्या जवाब आता है, क्या प्रधानमंत्री इस खत का कोई जवाब देते हैं, क्या वो इस पर बोलते हैं, तो ये सारे सवाल अभी जानने बाकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।